हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल मूवी के काफी खतरनाक अपडेट के बारे में। तो वो अपडेट खतरनाक ये है कि इस मूवी को PG-13 कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब PG-13 कैटेगरी होती क्या है? तो इस कैटेगरी में आपको 13 साल से ऊपर के बच्चे ही इस मूवी को देख सकते हैं, और देन इसका एक सर्कल रेट भी आ चुका है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि काफी सारी मूवीज के नीचे लिखा होता है ये मूवी किस बेस पर है, तो इस मूवी का जो बेस है वो है साइंस फिक्शन, वॉयलेंस, गाली गलौज और थोड़ा गुस्सा और एंग्री का किरदार। जी हाँ, तो कैप्टन मार्वल मूवी में यानी कि ब्रिल एंसर में ये सारी खूबियां थी, तो पॉसिबिलिटी इस मूवी को PG-13 कैटेगरी में इसलिए डाला गया है। तो इस मूवी में काफी ज्यादा गुस्सा दिखाया जाएगा ब्रिल एंसर का, और देन वो किसी की नहीं सुनेंगी। ये तरीके से आप समझ लो रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी कि टॉनी स्टार की तरह, तो उससे भी ज्यादा ये खतरनाक होंगी, क्योंकि मूव ऑफ द प्लेनेट इन्होंने खुद चीज रिवील्ड करी थी। इनका कैरेक्टर काफी एंग्री होगा, रूसो ब्रदर ने बताया था, और देन इसमें वॉयलेंस भी काफी ज्यादा है, तो बच्चे 13 साल के से ऊपर ही इस मूवी को देख सकते हैं। तो खतरनाक होने वाली है कैप्टन मार्वल। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हो, ज्यादा उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।